This program is for discussion purpose only. Business Plus TV or any of our anchor does not bear any responsibility or liability towards the content. This is Business Plus Broadcasting Live from Karachi, Pakistan. यू वॉचिंग टिप्स ऑफ द ट्रेड आई एम योर होज खान जावेद नाजीन आज जैसा कि एक्सपेक्टेड था कि सात हज़ार दो सौ पॉइंट बढ़ने के बाद आ, कुछ करेक्शन आएगी लोग मुझसे सोशल मीडिया पर भी बार बार पूछते थे करेक्शन करेक्शन मैंने कहा आप लोगों को बड़ा शौक़ है भाई करेक्शन का हो जाएगा करेक्शन भी हो जाएगा घबराए नहीं तो कितने हो जाएगा मैंने कहा दो हज़ार तक हो जाए मुझे कोई प्रॉब्लम नहीं है सात हजार दो सौ के बाद अगर दो हज़ार घट जाता है तो पाँच हज़ार दो सौ की इंक्रीज रह जाएगी फ्रॉम ट्वेंटी एट अक्टूबर चिल्लाओ अभी भी तो दो महीने भी नहीं हुए और फिर दूसरी बात यह कि जो बीच में पच्चीस तीस शेयर चल रहे हैं जिसको लोग चला रहे हैं और जिसपे जो डे ट्रेडर्स वगैरह अपने ख़्याल में बहुत पैसे कमा रहे हैं तो उनको भी तो करेक्शन करना है उनको भी तो ठीक करना है उनकी हालात को तो ये जो इस तरह की करेक्शन आएगी एक दो हज़ार की उससे ये होगा कि वो डे ट्रेडर्स और शॉर्ट टर्म ट्रेडर्स जो अपने आप को बहुत ज़्यादा जहीन हम लोगों से बहुत ज़्यादा जहीन समझते हैं उनका उनको हेवी लॉसेस होंगे वो तबाह हो जाएंगे मार्केट से निकल जाएंगे विच विल बी वेलकम थिंग दूसरी जो कंपैक्टिंग का जो प्रोसेस होता है जब भी आप किसी चीज़ पर आप सामान भरते हैं बजरी भरें कुछ भी भरें तो उसको फिर टाइट भी करना पड़ता है तो ये जो 7200 की जो पाइलअप हुई है उसको टाइट करना उसको सॉलिड करना उसके बीच बीच में जो होल्स हैं हवा है वो निकालने के लिए ज़रूरी है कि एक डेढ़ हज़ार की करेक्शन आए तो इट इज इट विल बी हेल्दी थिंग उसके बाद जो वो ज़मीन होगी वो मजबूत होगी खड़े होने में आ, आज की सिचुएशन ये रही कि मार्केट तकरीबन मैम ग्यारह बजे बारह तक तो ठीक ही थी ऊपर नीचे होती रही एटी थ्री प्लस पे थी फोर्टी सेवन थाउजेंड टू नाइन्टी थ्री का लेवल उसके बाद से एकदम धम से गिरी और देखते देखते एट सिक्सटी फाइव का लॉस लोगों की चीखें निकल गईं चिल्लाना शुरू हो रहे बड़ा फ़ायदे में नुकसान हो गया उसके बाद फिर ऊपर आई और वन नाइन्टी नाइन पे भी पहुंची और अभी 269 माइनस है मैंने सोशल मीडिया पे कहा कि 2000 तक की आ सकती है कलेक्शन और इसको आने दें इस हेल्दी लेकिन जो आप लोग अगर नहीं बेचोगे तो क्या करेगा कलेक्शन आपका कुछ नहीं करेगा लेकिन वो जो डो डे ट्रेडर है इधर उधर से पैसे मांग के आया है या लिवरेज करके उसने शेयर पोजीशन ली हुई है उसको तो जो हाउस वाला है धक्के मार के घर से निकाल देगा उसकी पोजीशन कट कर देगा आइए एक लाइव कॉल से बात करें हेलो ऑयल की सिचुएशन uh, ये रही है कि ऑयल uh, में इजाफा uh, है जीरो पॉइंट सेवन सेवन थ्री परसेंट का फिफ्टी थ्री पॉइंट सिक्स नाइन का हुआ गैस में भी इजाफ़ा है टू पॉइंट फाइव वन का और <coughs> हम देख रहे हैं कि गोल्ड में भी इजाफा है ज़ीरो पॉइंट वन सिक्स परसेंट सिल्वर में कमी है और अब ये हो रहा है कि अमेरिका में इंटरेस्ट रेट बढ़ा दिया गया विच इज़ अ वेरी वेरी बिग डेवलपमेंट इन टर्म्स ऑफ अमेरिका कि वहाँ इतनी ताक़त महसूस की गई कि इंटरेस्ट रेट बढ़ाया गया और अब जो जितने फंड मैनेजर्स हैं दुनिया भर के कल आज ही उसके ट्विटर पे कोई फिक्र पड़ा था कि दो पिछले दो महीने में उन्होंने 24 बिलियन डॉलर जो है इमर्जिंग मार्केट या फ्रंटियर मार्केट से निकाली है और उसको वो लेके गए अमेरिका अमेरिका में वो रख रहे हैं ताकि जब अमरीकन इकानमी तेज़ी पकड़े जिसकी उम्मीद की जा रही है अंडर डोनल्ड ट्रंप तो वो वहाँ पैसा लगाएँ बात करें। Hello. Hello. साम साम। आपका बड़ा बेहतरीन छोटी सी इन्फॉर्मेशन जरा चाहिए थी आपसे एक तो बताएगा उसका कुछ अभी स्टेटस आया कि नहीं आया और दूसरा आपने ट्वीट का बताया था ट्वीट के दो शेयर चल रहे हैं दो हाँ एक ट्वीट और एक ट्वीट पीटीसी करके एक्सडी नीचे चल रहे चौबीस रूपए जिसका रेट है पीपीसी हाँ प्रोफेशनल शेयर है मेरे ख्याल से उसका क्या स्टेटस है वो भी बता मैं, दीजिएगा मैंने अभी तक उसको देखा नहीं है मैंने लिस्ट में भी नज़र नहीं आया पीपीसी बहरहाल मैं इसको चेक करता हूँ जहाँ तक जापान पावर का ताल्लुक़ है इसके लिए आप हमारे एक बहुत अच्छे मेहरबान हैं आप जैसे उमेर भट्ट साहब आउट ऑफ लाहौर वो विज़िट किया था उन्होंने उसकी तस्वीरें वगैरह लगाई थी और उनसे हम फिर से नहीं उनसे पूछना जाती होगी बेचारे पिछले दफा काफ़ी खर्च वर्च करके गए कि उन्होंने ये बताया था ये एक डेढ़ महीने पहले की बात है तस्वीरें भी लगी हुई हैं उनके इस पर मेरे ट्विटर पे भी हैं वो आप देख लीजिएगा उमेर भट्ट साहब को आप सर्च कर लें तो उनकी उन्होंने बहुत सारी तस्वीरें खींची थी मैनेजमेंट से बात की थी और उन लोगों ने आज से एक डेढ़ महीने पहले कहा था कि छः महीने में इन स्टार्ट हो जाएगा और ये भी खबर आई थी कि सु, सुई सऊदन और ये इनकी दोनों की एक साथ ही बात चल रही है मिनिस्ट्री से और जो बहुत बड़ी रुकावट थी वो रेगुलेटरी अथॉरिटीज़ थी जैसे ओगरा और ये वगैरह अब इनका सफ़ाया हो गया अब थिंग शुड मूव बेटर ये जो इदारे थे सिर्फ रिश्वत कमाने के लिए बनाए गए थे किसी दौर में और उनको ख़त्म कर दिया गया मैं बड़ा खुश हूँ सी एन जी डी रेगुलेट हो गया नहायत ही खुशी की बात उस पर मैंने लिखा उमेर भट्ट साहब को कि अगर सी एन जी को ट्रूली मार्केट लेवल पर देखा जाए तो गैस की कीमत जनाब आज जो है थ्री पॉइंट थ्री डॉलर है उस हिसाब से चार सौ का भी नहीं है दस लाख क्यूबिक फिट गैस तो उसके हिसाब से मेरे हिसाब से अगर गवर्नमेंट टैक्स भी, तो भी ना लगाए तो बारह रुपये का सी बिकना चाहिए आपस में अगर कंपटीशन हो विच इज़ विल बी हेल्दी इसी तरह पेट्रोल पर पे अगर टैक्स वेंस हटा दिया आराम से अभी भी तीस रुपये का बिक सकता है गवर्नमेंट को चाहिए कि चीज़ों पर टैक्स वेंस हटा दे ताकि हमारी जो कंपिटिटिवनेस है फिर से बहाल हो सके हम बहुत पीछे रह जा रहे हैं एक्सपोर्ट में इम्पोर्ट में कमी नहीं हो रही है ओवरसीज पाकिस्तानियों का रेमिटेंस भी थोड़ा कम होना शुरू हो गया है तो बहुत सीरियस डेफिसिट सिचुएशन पैदा हो रही है उसके लिए ज़रूरी है कि गवर्नमेंट तमाम टैक्सेस जो उसने लगाए हुए हैं आ, ये फ्यूल पे ख़ास तौर से सबसे ज़्यादातर टैक्स गवर्नमेंट को आसान तरीन यही लगता है पेट्रोल पम्प ना हो गया बल्कि एफ का एक टैक्स बूथ हो गया सी स्टेशन ना हो गया बूथ हो गया मेरी फैक्ट्री ना हो गई बूथ हो गई कि मैं विथ टैक्स काट काट के जमा करता रहा हूँ एफ वाला बैठ के तनख्वाह ले फ्री में एफ को ख़त्म कर देना चाहिए एफ का जो काम है उसको ठीके पे दे देना चाहिए मैं ओवरसीज़ पाकिस्तानीज इन्वेस्टर्स फोरम की तरफ से डबल की ऑफ़र करता हूँ जितने जितना भी कलेक्ट करा है ये उसका हम डबल कलेक्ट करेंगे ओवरसीज़ पाकिस्तानी को दे दें ऑनेस लोग हैं और उनके पीछे बहुत बड़ी सपोर्ट है आइए एक लाइव कॉल से बात करें जना जना मैं लाहौर से बात कर रहा हूँ मेरा नाम मोहम्मद लहीही है जिनाब आपने अपने एक प्रोग्राम ने कहा था कि वर्ल्ड कॉल को या हमारे ग्रुप ने परचेज कर लिया है लेकिन अभी इसकी कोई ऑफिशियल ना ही कोई अनाउंसमेंट आई है वर्ल्ड कॉल भी नीचे आ रहा है क्या ये आपकी खबर गलत थी या आपने अभी कंफर्म नहीं की देखिए मेरे ग्रुप का मैंने नहीं कहा आ, कोई वर्ल्ड कॉल सर्विस कंपनी है जिसने लिया है आई डोंट नो हु ओनर ऑफ दैट और एक और एक कोई कंसल्टेंसी कंपनी है शारजा की इन दोनों ने मिलकर लिया है टेन मिलियन डॉलर में जो अखबारों में इश्तहार आए थे मेरे कोई स्पेशल नॉलेज नहीं है इस सिस्टम में और ये बात तो तय है कि वो मार्टेल बेच कर चला गया है टेन मिलियन में अब जो लो, लोग नए हैं जाहिर है उन्होंने दस मिलियन भी लगाया है पाकिस्तान में दस मिलियन डॉलर बहुत बड़ी चीज़ होती है तो कोशिश तो करेंगे कि अपनी कंपनी को चलाएं वो फेंकने के लिए तो उन्होंने नहीं, नहीं लिए तो मूवमेंट होने में टाइम लगता है आपको री सारी रीअलाइनमेंट करनी पड़ती है बैंकों से हर जगह से ओमान टल तो वो बड़ा कैश रिच लोग थे उनको तो कोई प्रॉब्लम नहीं था उन्होंने 153 मिलियन में ख़रीदा और 10 मिलियन में बेच के चले गए बड़े अच्छे मैनेजर्स थे वो तो अब जो नए लोग हैं अब देखिए उनको आ, क्या करते हैं कोई मेरी तरफ़ से कोई गारंटी या कोई वो नहीं है भाई आपको लेना है लो नहीं लेना मत लो आइए क्लैबकॉर्स से बात करें हेलो नाजी तेल की कीमत बढ़ी है और उसकी वजह से हम देख रहे हैं कि डाओ जोन जो है 91 प्लस हो के 19,974 पूरी कौम अमेरिका की जो है इस वक्त डोनाल्ड ट्रंप से लेकर सब इंतज़ार में है कि बीस हज़ार हो जाए हमारी मार्केट तो माशाल्लाह कल बीस हज़ार हो भी गई और आज भी थोड़ी सी नीचे बड़ी इंटरेस्टिंग नंबर है 46,940 का नंबर मुझे दिया गया और इधर डॉमे में थाउज़ेंड तो हमसे काफ़ी मिलता जुलता नंबर है पाकिस्तान मार्केट वॉज द बेस्ट मार्केट ऑफ द वर्ल्ड फॉर लास्ट फाइव ईयर्स के बेसिस पे दो, दो सौ सत्तर पॉइंट के करीब इजाफा हुआ परसेंट का इजाफा हुआ नंबर टू में अमेरिका आता है जिसमें हंड्रेड एंड टेन का इजाफा हुआ और अब वो लोग इंतजार में है कि ट्वेंटी हो जाए हम फोर्टी सेवन के चक्कर में पड़े हुए तो लगता है दोनों साथ साथ चल रही हैं आइए क्लब कॉल से बात करें हेलो हेलो वालेकुम सलाम अमालकम जनाबुलरम बोल रहा हूँ जी जी बिल्कुल सर आपके लिए बैठा हूँ अच्छा सर मैंने ये पूछना है कि पावर सीमेंट जो है जी जी उसका क्या है सर ये कि है? पावर है वो फ्लाइंग हो ये सब छोटे छोटे पावर ए, सीमेंट कंपनीज़ हैं सबका फ्यूचर बहुत अच्छा है पावर ए, सीमेंट लेते वक्त आपको सोचना ही नहीं है आग बंद करके आप ले लें पैसा ज़्यादा है तो लकी ले लें उससे कम है तो डी दी, डी ले लें और बहुत कम है तो आप पावर ए, फ्लाइंग पे गुजारा करें बहुत अच्छा फ्यूचर है जी इस खत्ते में हमारे अलावा कोई सीमेंट बनाने वाला नहीं होगा अगले बीस साल में और इस खत्ते में जितनी तरक्की होने वाली दुनिया में कहीं नहीं होगी इंडिया इज़ इमर्जिंग एज हैज ऑलरेडी इमरज एज दिक्सथ बिगेस्ट इकानमी ऑफ़ द वर्ल्ड और इंग्लैंड यू के को उसने पीछे कर दिया आपको ये भी बताता चलूँ कि जब यू के में कीचड़ और uh, गंदगी होती थी लंडन में तो इंडिया वॉज ए फ्लोरिशिंगानमी और अंग्रेज़ के आने से पहले दुनिया की सेकेंड बिगेस्ट इकॉनमी थी ट्वेंटी फोर परसेंट से ज़्यादा इसका शेयर था वर्ल्ड इकॉनॉमी में और नंबर वन इकॉनमी उस जमाने में चाइना थी और नंबर तीन इकॉनमी इंडोनेशिया थी और नंबर चार इकॉनमी ब्राज़ील था तो जब अंग्रेज़ गया तो 24 परसेंट के बजाय हमारी इकॉनमी का शेयर दुनिया में हो गया तीन परसेंट इतना बड़ा जुल्म किया उसने तीन करोड़ इंडियंस को भूखा मारा और यहाँ से सारा अनाज उठा के ले गया पूरा दुनिया में बेचता था और हमारा हमें कहता था कि यहाँ तुम न धागा बनाओगे ना कपड़ा बनाओगे सारा धागा रुई जो है भेज दो इंग्लैंड जिनिंग के बाद वहाँ धागा बनेगा उसके बाद कपड़ा बनेगा उसके बाद कपड़ा हम तुमको एक्सपोर्ट करेंगे और तुम बाबू लोग पै, पैंट शर्ट पहनोगे और सूट पहनोगे इंग्लैंड का बना हुआ तब तो तुमको हुक्मरान बनाएंगे या कुछ भी बनाएंगे इतना जुल्म करके गया है यहाँ से आइए एक लाइव से बात करें वाई साम जनाब हाजी साहब क्या चाल है जनाब ठीक है बहुत ठीक हुई साहब बिल्कुल सही सर ये आप मुझे बताए कि हमारी एक्सपोर्ट कम हुई जैसे आपने भी बताया जी जी और हमारी रेबिटेंस भी कम हो रही है बात आने में जी और आपने ये भी कहा कि एफ को इनको सबको खत्म कर दो और तो आपने खुद ये चैलेंज किया इनको कि आप ये सब इसको हटा दो आप इसको डबल कर देंगे रेमिटेंस को डबल कर देंगे नहीं नहीं टैक्स कलेक्शन की बात की थी टैक्स कलेक्शन की बात आज नहीं की 2009 में जब मैं पहली दफ़ा यहाँ आया एज़ ए प्रेजिडेंट ओवरसीज़ इन्वेस्टर्स फोरम हमारे साथ गुलाम खान जई साहब सीनियर वाइस प्रेजिडेंट और ये हसन मुबीन सीनियर वाइस प्रेजिडेंट हम लोग कई चैनल्स पर गए हमने ये तजवीज़ दी कि गवर्नमेंट नंबर वन हमें कोरंगी से ले कर के, के टी बंदर दे दे हम उनको जितना अभी टैक्स कलेक्शन हो रहा है उससे उतना ही हम देने के लिए तैयार हैं उस वक्त टोटल टैक्स कलेक्शन सिर्फ़ एक ट्रिलियन रुपीस डॉलर रुपी, रुपीज़ था तो हमने कहा एक ट्रिलियन हम दे देंगे आपको यानी एक हज़ार बिलियन दूसरा हमने ये कहा कि एफ बी आर को हमारे हवाले कर दें हम इसको चलाएँगे हम आपको अभी एक के बजाय दो देंगे तो ये बहुत पुरानी है हमारी ओवरसीज़ पाकिस्तानी की तजवीज़ है आज मैं फिर दोहराता हूँ अगर इस वक्त गवर्नमेंट तीन ट्रिलियन कर रही है हम छः ट्रिलियन देने के लिए तैयार हैं अब बड़े आसानी से हम छः ट्रिलियन कमाएंगे क्यों कि अभी तो आपको पता है कि टैक्स वाला जो आता है किसी भी आदमी के पास जिस पर टैक्स लगना है उसको खुद ही तजवीज़ देता है कि आप एक तिहाई गवर्नमेंट को दे दें एक तिहाई मुझे दे दें और एक तिहाई चोरी करके ले जाएँ स्विट्ज़रलैंड में रख दें अगर आपको नहीं पता कि कैसे ले जाते हैं तो मैं बताता हूँ आपको रास्ता तो वो, वो ये तो सिचुएशन इस लिहाज से अभी का तीन गुना करना बहुत आसान है आप समझ सकते हैं प्रोवाइडेड करप्शन ना हो इस सिलसिले में एक और बात बताऊं कि बंगाल बिहार उड़ीसा जब अंग्रेज़ ने कब्ज़ा किया सार्जुद्दौला को हरा के तो वहाँ के जो फाइनेंस मिनिस्टर थे हमारे ख़ानदान के आ, थे नाना दूर के हमारे लगते हैं अहमद रजा ख़ान साहब उनकी जो टैक्स कलेक्शन थी उसको अंग्रेज़ों ने चार गुना कर दिया विद इन सिक्स ईयर्स क्या क्या शराबी कबाबी ऑफिसर्स को लेकर आए लेकिन वो इतने लॉयल थे कंपनी से ईस्ट इंडिया कंपनी से कि रिश्वत नहीं लेते थे बाकी सब कुछ करते थे और उनको मराहत इस, इस, इस इंडिया इतनी देती थी इतनी इज्जत देती थी कि किसी की हिम्मत नहीं होती तो उनको रिश्वत दे तो क्या हुआ अहमद रजा खान के दौर में मुकमुगा होता होगा बढ़ जाता होगा इसी तरह वन तिहाई वन तिहाई जो अंग्रेज़ आया था तो वक्त शराबी कबाबी शाम के वक्त शराब पीता था लेकिन दिन को वो रिश्वत नहीं लेता था अपने कंपनी के लॉयल्टी उसकी थी तो चार गुना हो गया इसी बेसिस पे मैं कहता हूँ यहाँ भी चार गुना करना कोई मुश्किल काम नहीं है आइए एक लाइव कॉल से बात करें हेलो असल जी सलाम जनाब मैं जी सरगो से आजम जी आजम साहब फ्रॉम शक्वेदा वेलकम सुहा सर ये सर पेस के बारे और मरी ब्यूरी के बारे बताइएगा सर पेस और मरी ब्यूरी पेस जनाब एक डेवलपमेंट कंपनी जो बहुत पहले मेरे ख्याल में कब की बात है ये नाइन्टी एट सॉरी 98 नाइन्टी नाइन में शुरू हुई और इसके जो पहले आ, चीफ एग्जीक्यूटिव बने वो हमारे एक्स बैंकर हमारे साथी थे और सलमान साहब ने शुरू किया आइडिया ये था कि यहाँ पे आ, आ, अच्छे अच्छे प्रॉपर्टी डेवलपमेंट करें बेसिकली ऑफिसज़ का इनका ख्याल था और सिलसिले में मेरे पास भी इन्विटेशन आई थी कि आप इस पर सब्सक्राइब करें एज ए इनिशियल जो होता है जो लोग दावत से बुलाए जाते हैं तो मैं भी रीजनल क्रेडिट मैनेजर था उस जमाने में ए बी एन एमरों का तो मुझे भी और इन्विटेशन आई और ये कंपनी चली उसके बाद अच्छी चली उसके बाद से जो फैमिली के साथ हुआ आपको पता है उसके बाद हालात तो इसके बड़े ख़राब हो गए लेकिन अभी रिसेंटली इन्होंने बैंकों से डील की बैंकों के तमाम कर्जे वापस कर दिए सं दिया अदा और अब दे आर स्कॉट फ्री एंड नाउ दे हैव दूंस कि दे विल स्टार्ट एट प्रोजेक्ट्स ऑफ फोर बिलियन डॉलर ईच तो आप देखिए बैंकों की अगर उनको सपोर्ट रहती है या गुंजाइश तो बहुत है यहाँ बहुत ऑफिस की कमी है घरों की कमी है तो जो भी बनाएगा बेच ही देगा जहाँ तक uh, मरी बेवरी का ताल्लुक है जनाब अभी जो उस पर एक पाबंदी लगी थी उससे उसके uh, प्रॉस्पेक्ट खराब हुए थे लेकिन वो पाबंदी अब ख़त्म हो गई है और सो द कंपनी शुड गो बैक टू इट्स ओल्ड ग्लोरी जहाँ तक उसके डिविडेंड और वो उसका तव, आ, सवाल है डिविडेंड तो दे दिया स्प्लिट uh, जो करना चाह रहा था इंटू फिफ्टीन वन को एक को पंद्रह करना चाह रहा था उस पर कोई रुकावट आ गई है आई डोंट नो वाई अगर वो रुकावट ख़त्म हो जाए तो उसके शेयर की वैल्यू कम हो जाएगी और ट्रेडिंग आसान हो जाएगी और एस को बिल्कुल रोकना नहीं चाहिए एस का कोई रोल ही नहीं है इसको रोकने का मेरी कंपनी है डनवर मैं इसके शेयर को एक रखूँ या दस दस रखू मेरी मर्जी है और मेरे शेयर होल्डर्स की मर्जी है एज ए मेजोरिटी शेयर होल्डर मैं कुछ भी कर सकता हूँ अदरवाइज वैसे लीगली तो हु इज एस पी टू स्टॉप दिस स्प्लिट विच इज़ अ वेरी हेल्दी थिंग एक पंद्रह सौ का शेयर खरीदना बड़ा मुश्किल है जनाब एक सौ का हो जाएगा तो अच्छा है आइए एक लाइव कॉल से बात करें असल वाईक सलाम जनाब मेरा नाम गुलाम मोहम्मद है मैं लाहौर से बात कर रहा हूँ

फिर वहाँ से ओमान से कन्फर्मेशन आई कि हाँ जी हमने भेज दिया है तो नोटिफिकेशन आ, आ जानी चाहिए थी नहीं आई आ जाएगी मगर ये हुआ ज़रूर है अब नए लोग आएंगे उसको मैनेज करेंगे अपने तरीके से क्या करते हैं एक ख़बर ये थी कि दे आर ट्राइंग टू गोइंग टू डायरेक्ट टू होम फिर हमने उसका कहीं पर नाम तो देखा नहीं ऑप्शन में हो सकता है किसी के पीछे खड़े होंगे या फिर एक और ख़बर आई थी कि ये लोग जो आपको मोबाइल पे जो आता है सिग्नल वाईफाई वो भेजेंगे बेचेंगे तो देखते हैं क्या होता है इस टू अर्ली अगर आपको घबराहट हो रही है तो बेच के निकल जाए आई ग्लाइव कॉल से बात करें हेलो हेलो सामेक वाईकम् सलामी मेरा नाम सफदर जी मैं इस्लामाबाद से बात कर रहा हूँ ये एक शेयर आई एफ एस एल इन्वेस्ट फिनंस कंपनी लिमिटेड इससे एक में क्या खबर है ये रेपिडली बढ़ रहा है काफ़ी सर कितने का है और कितना बढ़ा है ये अभी ये पिछले दिनों 42 था अभी 116 तक चला गया है आई एफ सी बताया आपने आई एफ एस एल इन्वेस्ट फिनिटेड आई एफ एफ एल सर इसके बारे IFFL, में कोई... Invest Finance Security Limited. इसके बारे में कुछ पता नहीं है साहब और ऐसी कंपनियों से हम दूर रहते हैं आ, ये सिक्योरिटी कंपनी मोदारबा लीजिंग कंपनी इन लोगों से आपको मशवरा है कि दूर रहें छोटे छोटे बैंक जो दस रुपये से कम है उससे दूर रहें कि वो सब खत्म होने वालों में से हैं ये 40 से 160 का हो गया बहुत अजीब बात है इसको मैं ढूंढूंगा वैसे आई हैव नो आइडिया अबाउट इट एट द मोमेंट आई एक लाइव कॉल से बात करें नाजी दाओ के अलावा एस पी में आ, एट का इजाफा हुआ नजडेक में ट्वेंटी सिक्स का और नीके में फिफ्टी माइनस है हैंडसंग एटी प्लस है शंघाई थर्टी फोर प्लस है सेंसेक्स फिफ्टी थ्री माइनस सिंगापुर नाइन और फुटसी में वन का इजाफा है डैक्स में सेवन का इजाफा है और आई में सिक्सटी फोर का लॉस है uh, तो ये है इंटरनेशनल सिचुएशन वर्ल्ड कॉल का बड़ा जिक्र आ रहा है तो देखता हूँ यहाँ पे वर्ल्ड कॉल आज वॉलूम uh, रीडर भी है और इसमें सेवन पैसे की uh, कमी है और दो मिलियन का काम हुआ इसमें टू पॉइंट सेवन मिलियन आइए क्लैब कॉल से बात करें हेलो टटाइल एक्सपोर्ट डिक्लाइन बाई वन पॉइंट नाइन फोर परसेंट जुलाई टू नवम्बर डच कंपनी एक्वायर्स एंग्रो फूड फॉर फोर हंड्रेड एंड फोर्टी सिक्स मिलियन ये देखिए उन्होंने फाइव हंड्रेड एंड टू मिलियन निकाला था फंड लेकिन एंग्रो वालों ने उसको एक सौ साठ के बजाय एक सौ बीस पर भेज दिया एंग्रो फूड को तो उनको बड़ी बचत हो गई फिर उन्होंने सिटी बैंक के जरिए से यहाँ पे जो लोगों के पास आम लोगों के पास शेयर्स थे वो दो तीन परसेंट उठाए हैं एट द रेट ऑफ वन फिफ्टी फ़ाइव और इस तरह से इतने में इनको फिफ्टी वन परसेंट शेयर मिल गया नाउ एज ए फिफ्टी वन परसेंट शेयर होल्डर दे कैन डू एनी थिंग दे वॉन्ट हंड्रेड परसेंट उनका कंट्रोल आ गया इसीलिए वो उन्होंने मेहनत की है और उसको हासिल कर लिया और अब आप देखिए कि कैसे ये चलाते हैं ज़बरदस्त आइए एक लाइव कॉल से बात करें हेलो Uh, नाजन और जो खबर है वो ये है कि पाइलिंग डेट वरीज इंक्रीज एज करंट अकाउंट डेफिसिट डिज बाई नाइन्टी वन परसेंट टू टू पॉइंट सिक्स बिलियन ये पाँच महीनों में जुलाई से नवंबर में जो हमारा डेफिसिट है वो बढ़ते ही चला जा रहा है और ये हो गया है टू पॉइंट सिक्स फ्राम वन पॉइंट थ्री सिक्स बिलियन और अब रेमिटेंस भी क्योंकि कम हो रही है इसलिए हमें और ज़्यादा प्रॉब्लम आ रही है आइए नाजीन यहाँ पे लेता हूँ एक छोटी सी ब्रेक वेलकम बैक टू तो टिप्स ऑफ द ट्रेड नाजिन अभी बात हो रही थी पाकिस्तान इंटरनेशनल कंटेनर टर्मिनल के बारे में आ, एक साथी पूछ रहे थे इसके बारे में तो मैंने बताया कि जब ये ये वो जो पी जिसका हम रोज़ाना जिक्र करते हैं और जब ये सोलह सत्रह रुपये का था तब से आप लोगों से कहा ख़रीदो और ये भी नारा लगा दिया था कि ये 200 का होगा उसकी वजह ये थी कि ये जो आ, इंटरनेशनल कंटेनर टर्मिनल है जब मैं आया था 2009 में साठ रुपये का था और ये वही लोग हैं जो जिन्होंने इंटरनेशनल अब ये बर्ग टर्मिनल लगाया वो कंटेनर है ये खुला हुआ है एक बाल आता है कंटेनर में एक आता है खुला तो खुले कि हमारे पास पोर्ट ही नहीं था बहुत छोटी सी जगह थी कराची पोर्ट पे है अभी और इसीलिए ये बन रहा है इसकी बड़ी ज़रूरत जरूरत है इस मुल्क में और मैं, मैं उनको अपने साथी को यही बता रहा था कि शुरू से मैंने कहा कि ये दो सौ का शेयर है इसलिए लेके इसको बेचना ट्रेडिंग करना बिल्कुल फजूल है बीच में जब ये काफ़ी बढ़ा आ, पिछले दिनों तो लोग पूछने लगे अब हम भेज दें मैंने कहा क्यों बेच दो भाई फिर किसी ने पूछा कुछ लोगों ने पूछा कितने में बेचे मैंने कहा दो सौ पर बेचे तो फिर वो चुप हो गए कहते इस आदमी से तो बात करना ही बेकार है ये तो ट्रेडिंग करने ही नहीं देता भाई ट्रेडिंग क्यों करोगे आपको रोजाना कमाई हो रही है आप, आपको तकलीफ हो रही है कमाई से आपने सोलह सत्रह का लिया था आज चालीस के करीब हो गया तो आप तकलीफ़ में आ गए नीचे चला जाता तो पता नहीं कितना रोते आप सत्रह से सात हो जाता तो तारिक ख़ान की तो जान ले लेते ले आप आके गोली गोली मार देते हैं मुझे आईक लाइफ कॉल से बात करें सलाम जनाब साहब ये बताइए पीपीएल के बारे में क्या लगता है पी पी लेना चाहिए। पीपीएल सर तेल की कीमत में कीमतों में थोड़ी सी इसकाम आ गया है और थोड़ी सी ऊपर ही है इसलिए पी पी एल पी ओ एल ओ जी डी सी वगैरह में काफ़ी तेज़ी आई थी लेकिन कल ये सारे शेयर्स गिरे थे क्यों कल तेल की कीमत गिरी थी रोजाना ऊपर नीचे हो रही है लेकिन 52 प्लस पे ही चल रही है विच इज़ वेरी गुड फॉर दीज कंपनीज अगर <laughs> आप मजबूत दिल के आदमी हैं तो ज़रूर आप ले लें ये शेयर्स कभी ऊपर जाएंगे कभी नीचे जाएंगे कमज़ोर दिल वालों से रिक्वेस्ट है कि इस तरह के शेयर से आप दूर रहें आपके लिए सीमेंट स्टील फूड ये सब ज़्यादा बेहतर है फार्मेसी बहुत अच्छा है आपके लिए ट्रांसपोर्ट के शेयर्स ले सकते हैं आप जैसे इंटरनेशनल कंटेनर टर्मिनल अगर आपके पास तीन सौ हैं और अगर कम पैसे हैं तो बल्क टर्मिनल ले लें चालीस से कम का है तो ये सब सॉलिड शेयर्स हैं इसमें आप कोई गिरावट वरावट नहीं होती आप Nestle ले लें आप आ, आ, ए, क्या यूनिलीवर का शेयर ले लें कुछ नहीं होने वाला इनको क्योंकि बहुत बड़ी मीशत पर उनका असर है और बहुत बड़ा शेयर है आइए एक लाइव कॉल से बात करें हेलो मैं जनाब से बात कर रहा हूँ मेरा नाम मोहम्मद रफान है कसूर से हाँ जी 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 सर मैंने वर्ल्ड कार्ड लिया है आपका प्रोग्राम सुन के वो अभी उसकी ना नोटिफिकेशन आया है उसका कि वो उसकी ना बोर्ड बोर्ड मीटिंग जो है मीटिंग में वो एक्सटेंशन मिल गया उसे एक माह का लेकिन उसकी कोई वो ये नोटिफिकेशन नहीं आया जो उस वो बिक गया है किसी और ने किसी और ग्रुप ने ओवर कर लिया है वो मैं परेशान हूँ तकर लाख शेयर मैंने ले लिया अपनी सारी पूंजी लगा दी है अल्लाह अल्लाह देखिए यही तो आप लोग गलत काम करते हैं कोई भी शेयर छह सात लाख नहीं लेना चाहिए या आपके बड़े मेहनत के कमाए में पैसे हैं रिश्वत के पैसे तो नहीं है कि आप फेंक रहे उठा के अभी इंडिया में एक चीफ मिनिस्टर एक महाराष्ट्र ने कहा का जहाँ की वो तमिलनाडु का चीफ सेक्रेटरी पक, को पकड़ा गया उसके घर में इतना नोट इतना नोट है कि जैसे गोडाउन में गंदम रखा होता है वो ढेर और ढेर नोट मिले, तो वो लोग तो ये करें तो अच्छा है छः लाख यहाँ लगा दिया बारह लाख यहाँ लगा दिया आप लोगों को नहीं करना चाहिए ऐसा अगर आपको लेना ही भी था तो आप एक दो हज़ार ले लेते क्यों आपने ले लिया मैंने अपने जो पच्चीस शेयर का लिस्ट लगाया हुआ है उसको आप देख लेते वहाँ लगा देते पच्चीसों में बराबर बराबरी से तो आपको कुछ नहीं होता अभी एक खुदा ना नखास्ता नीचे चला जाएगा आपको हार्ट अटैक हो जाएगा अब अमीर बनते बनते गरीब हो जाओगे फिर रोना पीटा करोगे टी वी पे तारे ख़ान को आगे थप्पड़ मारोगे भाई मैंने तो जो फैक्ट था बता दिया अब वो नोटिफिकेशन नहीं आई तो मैं क्या करूं? आएगी ये नोटिफिकेशन टाइम लगता है इतने घबराने की क्या बात है भाई अब पाकिस्तानियों ने लिया है तो ओमानियों से तो बेहतरी चलाएंगे ये तो गारंटी है पूरी गारंटी है इसकी पाकिस्तानी बड़े स्मार्ट लोग होते हैं मैंने नहीं डोनाल्ड ट्रंप ने कहा ही बार आई एक लाइव कॉल से बात करें हेलो कोई कॉलर नहीं है जनाब अच्छा जी आज की जो और ख़बरें हैं वो ये हैं कि ये डेट का बड़ा मसला है जनाब बहुत बड़ा मसला है कर्जे बढ़ते चले जा रहे हैं कर्ज़े बढ़ने की वजह क्या है जना बुनियादी ख़र्चे हमारे कम नहीं होते बढ़ते चले जाते हैं रोज़ एम एन एम पी ए की तनख्वाह बढ़ती है रोज़ मिनिस्टर्स की गाड़ियों की स्टेटस बदलती है हर एस पी डी एस पी सब ये बड़ी बड़ी गाड़ियाँ दे दी गई एक गाड़ी के पीछे चार चार गाड़ी चलती है मगर टैक्स कलेक्शन नहीं होता इस मुल्क में जितना भी टैक्स कलेक्ट होता है इस वक्त वो मैं आप ये पेट्रोल पंप वाला जमा करता है मैं फैक्ट्री वाला हूँ मैं क्यों आपके लिए टैक्स जमा करूँ भाई क्यों विथ होल्ड करूँ मैं आपका कोई मुलाजिम हूँ और उसके बदले मुझे तुम कोई तनख्वाह देते हो क्यों मैं जमा करूँ तेरा तुम्हारा तुम्हारा दम है तो जाके लो हमारे स्टाफ से डायरेक्ट टैक्स हमसे क्यों कहते हो रोक के रखो हम क्यों रोके किसी का तनख्वाह भाई लोग समझते हैं कि हम जरूर कर रहे हैं उनके ऊपर आइए एक लाइव कॉल से बात करें वाई जनाब क्या है बहुत ठीक हो जी अलग शुक्रिया आपका शो देखकर मैंने आज से पंद्रह महीने पहले पैंतीस पैंतालीस रुपए में लिए थे पी आर एल और आज जाके कुछ मोमेंट आई है अल्हम्दुलिल्लाह <laughs> <आख़ाद। laughs> <laughs> सर वो ए, इतनी बड़ी डेवलपमेंट में टाइम तो लगता है सर हाँ सर वो चलो खैर जरूर आपने डेढ़ साल इंतजार किया अब आपको मैं खुशी सुनाता हूँ खुशखबरी इसको आप सौ रुपए का देखेंगे और इस दौरान आपको बेचना नहीं है भले ये नीचे आया कुछ भी हो क्योंकि जगह जाके मैंने आप लोगों के लिए थोड़े दिन पहले देखी है और बेहतरीन लोकेशन इसकी है और बेहतरीन इसका का काम बहुत सिंपल था वही क्रूड को ये आग आग जला के गर्म करता था चार प्रोडक्ट बनाता था अब वही वही क्रूड है वही आग है अब वो बड़ा प्रोडक्ट बनाएगा वैल्यू एडेड प्रोडक्ट बनाएगा उसमें से खुशबू भी निकालेगा उसमें से केमिकल भी निकालेगा पता नहीं क्या क्या निकालेगा ये जितने पेट्रोकेमिकल चीज़ें आप देखते हैं अपने घरों में उसमें जितनी चीज़ें सब के अंदर पेट्रोल होता है पेट्रोल से बना हुआ होता है अक्सर चीज़ इवन फर्नीचर आपके जो होते हैं ये टेबल भी पेट्रोल का बना हुआ है तो जब वैल्यू एडेड होगा तो आप देख लें नेशनल रिफाइनरी की पोजिशन छः का शेयर है अठक उससे भी महंगा है तो ये इंशाल्लाह सौ तक तो आ जाएगा आप आराम से बैठें आइए एक लाइव से बात करें जनाब आज के जो माशा ये वॉलूम लीडर है दोस्त स्टील है ट्वेंटी सेवन मिलियन का काम हुआ इसमें सिक्सटी एट पैसा घट के टेन एटी एट का ये कंपनी बंद पड़ी हुई थी दो तीन रुपये का इसका शेयर था इसको हम सब ने मिल के चलाया है और कई सौ लड़कों को नौकरी दे दी है लाहौर में बहुत खुशी है दस रुपये का दस प्लस में है आ, उसके बाद बैंक ऑफ पंजाब है 19 मिलियन का काम हुआ इसमें 76 पैसा घट के सेवनटीन इसके बारे में जो मेरे ख़्यालत हैं आप सबको पता है बार बार बता चुका हूँ कराची इलेक्ट्रिक में भी ग्यारह पैसे की कमी है नाइन आज तो खैर गिरावट का दिन ही है तो वजह भी बहुत सारे शेयर गिरेंगे मगर कराची इलेक्ट्रिक का मसला जनाब यह है कि वो चाइना ले ले या कोई भी ले ले कुछ नहीं इतना हो सकता नौ बिलियन की इन्वेस्टमेंट का इन्होंने ऐलान किया है अगर कोई ऐसी नई टेक्नोलॉजीज़ आ जाए जिससे ये कुंडा मारना आज बंद हो जाए तो शायद इनके हालात अच्छे हों लेकिन मैं फिर कहूँगा कराची इलेक्ट्रिक को ख़ुद अपने तरफ से ही अब इस कंपनी को तोड़ देना चाहिए कराची इलेक्ट्रिक को बन जाना चाहिए होल्डिंग कंपनी और वो हर जो आ, दस कम से कम और कंपनियां बना दे हर कंपनी को इंडिपेंडेंट कर दे अपना जो इंफ्रास्ट्रक्चर है वो दे दे वही उसकी इक्विटी बन जाएगी बाकी इन कंपनियों को कहे कि अपने अपने कैपिटल रेज करो अपने इलाके के लोगों को जमा करो और उनको बैठाओ बोर्ड पर और फिर स्टॉक एक्सचेंज में आ जाओ पब्लिक से भी पैसा ले लो और वो फिर वो जो छोटी छोटी कंपनियाँ होंगी दस वो सब के सब कामयाब होंगी और सब के शेयर दस दस तीस तीस रुपये का हो जाएगा एक नॉर्मल डिस्ट्रीब्यूशन कंपनी का ऐसा हो जाता है और कराची इलेक्ट्रिक का शेयर तब तब अगर उसकी वन थर्ड वाला भी इक्विटी उसमें रह, रहती है तो ये सौ डेढ़ सौ का शेयर हो जाएगा उससे पहले बहुत मुश्किल है दो करोड़ आदमी पे आप बिजली uh, सप्लाई करके कामयाब नहीं हो सकते बड़ा मुश्किल है जनाब आइए एक लाइव कॉल से बात करें हेलो कोई कॉलर नहीं है आ, अच्छा जी आ, फैसल बैंक नंबर फोर्थ है 11 मिलियन का काम हुआ उसमें भी गिरावट है 1.17, पॉइंट ये बीच में काफ़ी बढ़ा था और आज वो कलेक्शन आ गई उसकी आ, बहुत सारी चीज़ें आज गिरेंगी जो रेलेवेंट भी नहीं हैं मिसाल के तौर तो पर पाकिस्तान इंटरनेशनल बग टर्मिनल भी 10.9 मिलियन का काम हुआ एटी थ्री पैसा गिरा हुआ है ये जो ओवरऑल मंदी है उसका नतीजा है बहुत सारे लोग लोगों की पोजीशन कट होगी मिसाल के तौर तो पर किसी ने दस शेयर लिया हुआ है और उसमें चार पाँच में ज़बरदस्त लॉस हो गया उसको तो उसकी मार्जिन कॉल आ जाएगी उसको उसके पैसे शॉर्ट हो जाएगा तो डीलर जो होगा उसके जो अच्छे शेयरस हैं उसको भी बेच देगा तो हो सकता है ये सेलिंग उसकी वजह से भी हो रही हो बाइको पेट्रोलियम में भी पंद्रह पैसे का लॉस है ट्वेंटी थ्री का हुआ ये ये मेरे ख्याल मेरे अपना जजमेंट है कि बारह रुपये का शेयर बढ़ा हुआ है जहाँगर सिद्धि की नाइन्टी नाइन परसेंट डाउन इससे बहुत दूर रहने के लिए, के लिए कहता हूँ लोगों को ऐशा स्टील में भी लॉस है कल तक ये बहुत ऊपर जा रहा था आज गिर गया ये तो ये इन सिंपैथी भी है ऐशा स्टील आज लोगों को कहता हूँ खरीद लो कल गिरा हुआ मिल जाएगा आपको ख़रीद लें इसको पाक रिफाइनरी में आज थोड़ी सी इजाफा है वन पॉइंट सेवन अभी भाई ने जिक्र किया गिरते हुए दिन भी बढ़ गया ये फोर्टी सिक्स का हुआ इसका मतलब अब ये चलना शुरू होगा और इसमें भी 7.5 मिलियन का काम हुआ एंग्रोपोलीमार अट्ठाईस पैसे कम होके सत्रह रुपये चौबीस का हुआ 4.7.4 फोर पॉइंट सेवन पॉइंट फोर मिलियन का काम हुआ है दीवान सीमेंट में वन पॉइंट टू का लॉस है एक रुपये बाईस पैसे घट के थर्टी टू एटी थ्री का हो गया जनाब और सेवन पॉइंट थ्री मिलियन का काम हुआ है एन आई बी बैंक में सिक्स पॉइंट फाइव मिलियन का काम हुआ कोई तब्दीली नहीं है वन पॉइंट सिक्स सेवन पर खड़ा है ये बात यह है कि जब उसको आ, उन्होंने दिया है, आ, है रेट आ, मुस्लिम कमर्शियल बैंक ने 1.6 तो ये 1.67 पे क्यों खड़ा भाई इसको आ जाना चाहिए 1.6 पे आ जाएगा ये 1.6 पे इससे ज़्यादा किसकी इसकी वैल्यू ही नहीं है यह भी मेहरबानी मह, है एम वालों की है चाहते तो इसको एक धिला भी ना देते पी में 16 पैसे कमी है नौ रुपये दस पैसे का हुआ इससे लोगों को दूर रहने के लिए कहता हूँ क्योंकि इसका जो क्रीम था वो गवर्नमेंट ने निकाल लिया है अब ये उस दिन मैंने रिक्शे से इसका मुकाबला कर दिया तो लोगों को बड़ी हंसी भी आई और परेशान भी हुए मैंने कहा इसमें और रिक्शे में में कोई फ़र्क नहीं है रिक्शा भी एक जगह से दूसरी जगह पहुंचाता है ये भी पहुंचाता है कौन सी ख़ास बात है पी आई ये क्या चीज़ होती है क्या बाकी एयरलाइन जो है एयर ब्लू और हमारी एयरलाइन नहीं है हमारी है पाकिस्तानियों की है तो पी आई ए को सर्वाइव करना बड़ा मुश्किल है जनाब इस आ, हाई स्टाफ लेवल पुअर जहाज़ गिर गया चेयरमैन भाग गया वहाँ का छोड़ के बहुत अच्छा किया उसने नहीं तो हार्ट अटैक हो जाता उसको टी आर जी पाकिस्तान में वन पॉइंट वन का लॉस है जनाब फोटी फोर का हुआ ये हवाई शहर है ये हज़ार का भी हो सकता है एक रुपये का भी हो सकता है आम लोगों से को कहता हूँ दूर रहो मज़बूत दिल वालों ले कर बैठ जाए एसगर नाइन में थर्टी फाइव का इजाफा है एसगर नाइन का कहते हैं कि प्रोडक्शन शुरू हो गया है और बड़े बड़े एनालिस्ट रिकमेंड भी कर रहे हैं इसको मेरी मालूम तो ये थी कि बंद था अब चल पड़ा है शायद बहुत सारी चीज़ें बंद जो थी चल पड़ी हैं तो हो सकता है चल पड़ी हो गिव दम बेनिफिट ऑफ डाउट मीडिया टाइम लिमिटेड 5.5 मिलियन का काम का हुआ जनाब 17 पैसे घट के ये पाँच रुपये का हो गया जनाब फौजी सीमेंट एक्स डी का हो गया एटी ये जनाब एक्स डिविडेंड हो इसने देखिए डिविडेंड भी दे दिया और उसके चलिए डिविडेंड से थोड़ा बहुत तो गिरता ही है ये वापस 45 का हो जाएगा भाई जिसके पास है उसको होल्ड करके रखें आइए एक लाइव कॉल से बात करें जनाब जनाब वर्ल्ड कॉल का क्या करें वर्ल्ड कॉल को हम रखें या बेच दें आप बेच दें आपको इतनी घबराहट हो रही है ना तो आप बेच दें नहीं मकसद है कि उसकी खबर नहीं ना आई हाँ तो बेच दें ना आप बहुत अच्छा रहेगा आपके लिए आप इतनी ज़्यादा परेशान ना हो बेच दें कोई इतना बड़ा ही नहीं था वो तीन रुपये तक गया था अभी सिक्सटी नाइन का है, कोई ज़्यादा लॉस तो नहीं है आप बेच के निकल जाए नहीं तो आपको कुछ हो जाएगा हार्ट अटैक अटैक जनाब ये फौजी सीमेंट का मैं कह रहा था कि ये फोर्टी फाइव का शेयर था जब इसका साइलो गिरा पच्चीस टन का कोई डेथ ना हुई अल्लाह का शुक्र है और ये गिर के थर्टी फाइव पे थर्टी फाइव पे आ गया हसैन साहब कह रहे हैं मार्केट क्लोजिंग आ गई दिखाइए हसनैन साहब माशाल्लाह बड़ी अच्छी प्रेजेंटेशन है 216 uh, का लॉस uh, फाइनली हुआ है और ये लॉस जाहिर है कि कुछ भी नहीं है अगर आप चालीस हज़ार का सोचें तो अभी भी 6000 हज़ार छ नौ सौ नौ सौ में सिक्स इजाफ़ा है अट्ठाईस तारीख से लेकर अब तक का और आज जो है 216 सौ सोलह कमी है अमरीकन हमारे मार्केट को देख के बड़े जलस हो रहे हैं डोनल्ड ट्रम्प सोचता है कि उन्हें मैं पाकिस्तान का लीडर बनता थर्टी इंडेक्स में एक सौ पंद्रह का लॉस है जनाब ट्वेंटी फाइव थाउजेंड फोर नाइन्टी टू वो बेचारा बीस हज़ार प्ले जाने की कोशिश कर रहा जा ही नहीं रहा हमारी तो ऑल शेयर्स में भी लॉस है जनाब होगा लॉस हाँ वन सिक्सटी सिक्स का लॉस है थर्टी वन थाउजेंड नाइन जीरो ये सब रिकॉर्ड लेवल्स हैं और कल जो थोड़ी बहुत बड़ी थी वो थोड़ी से कम हो गई कोई बात नहीं है मैंने कहा कि दो हज़ार पॉइंट की कमी कर दो मुझे कोई प्रॉब्लम नहीं है अगर मुझे गारंटी दे दो कि फ़ोर्टी फ़ाइव रहेगी मार्केट तारिक ख़ान इससे ज़्यादा क्या तमन्ना करे अल्लाह का सुबह को हाथ उठाऊँ तो क्या मांगू इससे ज़्यादा कि जो मार्केट चालीस हज़ार की थी 28 अक्टूबर को आज अगर 45 फाइव मेरे गारंटी देते हो तो मैं अल्लाह को शुक्र अदा करते करते मर जाऊँ रोज़ बार बार शुक्र अदा करूँ पाँच के बजाय छः दफा नमाज़ पढ़ूँ नाजन इसी के साथ प्रोग्राम खत्म करूँगा हाफिज़